गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह से और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कैसे हैं गाइस आप लोग? उधर देखो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। अभी हम जा रहे हैं बनाने चाय और फिर इसके बाद क्या बनाएंगे परी? आज बनाएंगे कढ़ी क्योंकि है आज वीरवार, और चावल रोटी है बेटा, तो चलो बनाते हैं। ठीक है, एक बार गुड मॉर्निंग बोलो उधर, बोल दो। ऐसा बच्चा है ना मेरा, वही निकाल भी लिया, टूट जाएगा बेटा। अभी पापा कल ही लाए हैं। उधर बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसकी माइक में बोलो गुड मॉर्निंग बोलो। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए, तो चलिए मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय और कढ़ी। तो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी कढ़ी का, क्योंकि पहले भी मैंने बनाया तो मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ। तो अभी मैं बनाती हूँ और थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब मैं जा रही हूँ बनाने चाय अपने लिए, और एक तरफ चावल रखूँगी एक तरफ चाय। तो यही मैं चाय, चीनी और चाय पत्ती डाल रही हूँ, और परी को मैंने भेज दिया है नीचे। तो मैं सोच रही हूँ अब चावल डालूँ, मैं सुबह ही डाल लेती हूँ, आप लोग को पता ही है चावल, क्योंकि खाना तो लेकिन दोपहर में ही रहता है, क्योंकि फिर एक वो लगा रहता है कि मतलब हाँ हमको चावल अभी बनाना है या फिर कुछ, तो लेट हो जाता है कई बार। जल्दी सब लोग खाने लगते हैं दोपहर में तो फिर चावल लेट हो जाता है, और सिलाई भी करनी होती है इसलिए। और गर्मी भी है थोड़ा ना, इसी वजह से मैं फिर बना ही लेती हूँ, क्योंकि नीचे थोड़े ऊपर गर्मी होती है फिर आके बनाया नहीं जाता। तो यही सब बात है फ्रेंड, और आप लोग कमेंट करना कैसी लगती है आप लोग की हमारी ब्लॉग, और कोई भी कमी होगी तो बताना, मैं उसमें ज़रूर सुधार करूँगी। अपनी तरफ से मैं तो अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा दिखाना आप लोग को कोशिश करती हूँ। तो गाइस अब मैं गूंथने जा रही हूँ आटा, तो एक तरफ जब तक हमारा चावल हो रहा है तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। और किसी का फ़ोन आ जाता है, उदय जी का फ़ोन आ गया उनके किसी कस्टमर का, तो मैं जा रही हूँ देने। तो मैं आ गई हूँ गाइस वापस, तो मैं आटा गूंथ रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक तरफ जब तक चाय होता तब तक आटा गूंथ लेती हूँ, फिर इसके बाद चाय जब पी लूँगी फिर मेरा चावल भी तब तक हो जाएगा, फिर एक तरफ मैं सब्ज़ी रख दूँगी बनने के लिए और एक तरफ रोटी। तो ऐसे ही होता है मेरा रोज़ का रूटीन और रोज़ का काम, ये सब करती हूँ। और परी को वैसे आपको बताया कि नीचे छोड़ती हूँ और सब लोग अभी उठे नहीं हैं, सिर्फ मैं अपने लिए ही चाय बनाती हूँ सुबह। तो जब पापा मेरे 8 बजे उठते लगभग, तो पापा जब उठते तो मम्मी पापा दोनों लोग चाय नीचे पी लेते हैं अपना। हमारे नीचे भी मतलब किचन है तो वहाँ भी चाय नीचे ही बनती है सुबह का, सिर्फ एक दो कप मैं बनाती हूँ ऊपर, बाकी दोपहर का चाय शाम का चाय नीचे ही बनता है। और यहाँ मैं पी रही हूँ चाय, और चाय में मैंने जीरा मंगाया था, गांव में मतलब जीरा बोलते पर यहाँ फ़ैन बोलते हैं, फ़ैन ही वैसे लभु बोल रहे हैं। तो मैं फ़ैन और चाय कर रही हूँ। तो अब गाइस अब मैं चाय पी रही हूँ, अब मैं सारा जो यहाँ पे स्लेब पे बर्तन रखा हुआ है उसको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी उन सबको। और ये थोड़ा सा ना उसमें पकौड़े छानने के लिए, कढ़ी बनाना है मेरे को, तो पकौड़े छानने के लिए मैं यहाँ पर प्याज कट कर रही हूँ छोटे छोटे से। तो एक तरफ मैं पकौड़े चलते हुए छान लूँगी, फिर इसके बाद बनाऊँगी कढ़ी। और आज क्योंकि वीरवार है, वीरवार के दिन। तो फ्रेंड बन गया है कढ़ी, चावल सब कुछ बन गया है, अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। तो नाश्ते में मैंने पूड़ी बनाया है और थोड़ी सी मैं कढ़ी लेके आई हूँ और चाय। तो उदय जी बैठे हैं और मैं भी जा रही हूँ खाने, तो इन्हीं के साथ मैं खा लेती हूँ, बाकी भैया मेरे खाना नहीं खाते हैं वो, और मम्मी पापा का खाना लेके जाते हैं ना सुबह ये 8 बजे, तो उनका अपना भी उठा ले जाते हैं, तो दोनों लोग वहाँ पापा के साथ मम्मी खा लेते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर, और इसी वजह से मैं कहा चलो पापा खा रहे हैं आप भी उन्हीं के साथ खा लो बैठ के। तो मम्मी अंदर खा रहे हैं, हम लोग यहाँ, और परी खेली खेली कर रहे हैं। तो चलिए गाइस थोड़ा सा आप लोग इन्जॉय कीजिए म्यूजिक के साथ, फिर आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ।
पहले खाना खा ली हूँ। और ये महारानी तो कभी फोन बंद करो, देखो बात बात करो, कोई आया कौन मेरे कौन है कौन मेरा बता दो आप कौन सा पेस्ट करते हो। आ जाओ इधर आ जाओ, दिखाओ बोलो कौन सा ब्रश करते हो आप, कौन सा करते हो, कौन गेट ये देखिए है ना, ये पेस्ट खा लेती थी ना तो इसीलिए इनके लिए ये आया थोड़े बच्चों वाले, ये खा लेंगे फिर भी कोई नुकसान नहीं करेगा, दो लगा दो। और इनके लिए मैंने छोटा सा ब्रश लिया था पर इन्होंने अपना नीचे रख दिया तो मेरा ही कर देते हैं, कोई नहीं दे देती है ना बेटा। टीथ निकालो, टीथ तो मैं लगा दू चलो ए फॉर बी फॉर डॉगी, यार बेटा आप गंदी बात क्यों करते हो, बी फॉर डॉगी होता है, बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर एफ फॉर जी फॉर, इसका पढ़ने का मूड नहीं होता, मेरे ऐसे उल्टे सीधे ही पढ़ती हूँ, आता वैसे पूरा है। ये देखिए खा चुके, इनको शर्म लगती है यार मैं ना वीडियो में खाता हूँ तो मेरे को शर्म लगती है इसलिए मैंने हटा दिया था, आप भी हाय हेलो कर लो बात कर लो हाय तो 9:30 हो गया अभी, ये भी जा रहे हैं दुकान पे और ये गंदा बच्चा अभी इनको नहलाना है, जो बात बोलो वही बोली जाती है, हाँ ऐसे करते हैं। चलो उधर बैठो ब्रश, जा रहे हो, अरे जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, एबीसीडी पढ़ने, हाँ पेन कॉपी इधर है मेरे पास, पेन कॉपी मेरे पास है। तो फ्रेंड अब सब लोग चले गए अपने अपने काम पे, जब सब लोग चले जाते हैं तभी मैं पोछा लगाती हूँ, कई बार जल्दी भी लगा लेती हूँ, तो अब मैं कर रही हूँ घर की सफाई, तो मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, अब मैं पोछा लगाई हूँ और बस यही सब थोड़ा सा काम है, पोछा लगाना और कपड़े धुलने हैं, और कल शाम को कपड़े मैंने डाले थे सूखने के लिए तो वो कपड़े हटाने हैं मेरे को, तो शाम को ही डाला था क्योंकि ना मैं सुबह धुल के गई नीचे और फिर ऊपर आई नहीं तो भूल गई, फिर शाम को आई फिर जाके मेरे को याद पड़ा, तो यहाँ मैं थोड़ा सा फास्ट मोड पर रखी हूँ, आप लोग माइंड मत करना क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसी वजह से। तो चलिए आप लोग म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं गाइस।
लिए बाय। और गर्मी अभी जितना नहीं है, पर है थोड़ा थोड़ा गर्मी। इसको नहलाओ धुलाओ सब कुछ करने करते करते गर्मी खुद ही लग जाती है। ये देखिए क्या कर रही हूँ, चॉकलेट लेना अभी दे रही हूँ। ओके गाइज बाय, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।